तो चलिए शुरू करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को रामनगरी पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सड़क मार्ग से लता मंगेशकर चौक पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए आह्वान के क्रम में सफाई अभियान की शुरुआत की। ये तो आप सभी जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, इसे लेकर राम भक्तों में काफी उल्लास नजर आ रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने पूरे देश में 14 से 21 जनवरी तक सभी मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को रामनगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। वहीं उनके इस वायरल वीडियो के बाद तमाम ट्विटर यूजर्स से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। सपा नेता अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, काश कोई ऐसी भी झाड़ू हो जो बाहरी गंदगी की दिखावटी सफाई की जगह इनके अंदर की गंदगी को भी साफ करे। झूठे भाजपाई जिस प्रकार इस वीडियो में हाथों में दस्ताने, मास्क और सिर पर टोपी लगाकर सफाई कर रहे हैं, वैसे ही दस्ताने, मास्क और टोपी सच्चे सफाई कर्मियों को भी सच में दी जाए। 10 फीट में 10 सफाई कर्मियों का ढोंग अच्छा नहीं है। वहीं इस पर एक यूजर लिखते हैं, एक ही जगह, वो भी साफ जगह पर 18 लोग झाड़ू लगाकर क्या साबित करना चाहते हो भाई। वहीं एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा, एक 5 ग्राम कूड़े को इकट्ठा करने में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रालय लग गया है। दोस्तों, आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इस वायरल वीडियो पर क्या सोचते हैं? क्या ये सब महज दिखावा है या 2024 के लिए चुनावी एजेंडा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।